गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आपका केमिस्ट्री ट्यूटर विवेक यादव। वेलकम टू सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल गुडियानी। आज हम नेक्स्ट पार्ट जो लेके आए हैं लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन में, जो हमारे पास लेफ्ट पार्ट बचा हुआ था, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन और गे लुशेक लॉ, वो हम डिस्कस करेंगे। इससे जो प्रीवियस पार्ट था उसमें हमने दो लॉ को डिस्कस कर चुके थे बेटा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और दूसरा आपके पास था लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। और उसके अंदर भी मैंने आपको बताया था, अगर आप मॉडिफाइड स्टेटमेंट के बारे में बात करते हो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, तो मास एनर्जी अगर इंटर कन्वर्टेबल हो, तो अगर हम कोई भी सिस्टम है उसके अंदर उनको सिस्टम के अंदर क्या लें, कॉन्स्टेंट अगर लेते हैं, क्या लेते हैं उनको, कॉन्स्टेंट अगर करते हैं, तो हम मॉडिफाइड स्टेटमेंट की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखोगे आप उसके अंदर कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास एनर्जी आर इंटर कन्वर्टेबल बट टोटल सम ऑफ मास एंड एनर्जी ऑफ सिस्टम रिमेन्स कॉन्स्टेंट। ओके, फिर हमने एक लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रपोर्शंस भी डिस्कस किया था, या डेफिनेट प्रपोर्शंस इसको बोलते हैं। उसमें हमने ये बताया था, अगर एक एलिमेंट का सेम आइसोटोप है दो अलग अलग कंपाउंड के अंदर, तो ये लॉ अप्लीकेबल है। अगर आपके पास दो सैंपल के अंदर एक ही सेम कंपाउंड है, दो सैंपल आपके पास कंपाउंड सेम है बट उनके अंदर क्या है, आइसोटोप डिफरेंट है, तो हम उस लॉ को अप्लीकेबल नहीं कर सकते। तो ये तो हमने एक छोटा सा रिव्यू लिया है अपने जो प्रीवियस पार्ट के अंदर जो डिस्कस किया था वो। तो आइए अब हम आज का जो सेशन में स्टार्ट करते हैं। आज का मेन मोटिव हमारे पास है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन ये डिस्कवर किया था डाल्टन ने 1803 के अंदर, 1803। ये लॉ के अंदर जो डेफिनेशन है वो बिल्कुल आसान है, उसको हम कैसे सीखेंगे, सिंपली इस एग्जांपल से। देखो मेरे पास एक एलिमेंट सी है और एक एलिमेंट ऑक्सीजन है, दो एलिमेंट हो गए। एलिमेंट आपके पास दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। यदि आपके पास अगर मैं मान लूँ कि मेरे पास दो एलिमेंट है और इन दो एलिमेंट को मैं कंबाइन करता हूँ, तो इससे जो बनने वाले कंपाउंड है वह दो हो सकते हैं, दो से ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट लाइन में हमने ये लिखा है, इफ़ टू एलिमेंट कैन कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड। तो मैंने यही लाइन लिखी हुई है फर्स्ट में, अगर मैं टू एलिमेंट को कंबाइन करता हूँ तो उससे टू और मोर कंपाउंड बन सके, मतलब एक से ज़्यादा कंपाउंड बनेंगे। फिर हमें क्या करना है, देन मास ऑफ वन एलिमेंट, इसके अंदर से एक एलिमेंट के मास को क्या करना है हमें, जो कंबाइन हो रहा है इसके साथ, क्योंकि सी ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो रहा है, सी किसके साथ कंबाइन हो रहा है, ऑक्सीजन के साथ। तो मैं एक एलिमेंट के जो मास है, कौन सा मास, एटॉमिक मास, उसको मैं फिक्स कर लूँगा। जैसे मैंने कार्बन को फिक्स कर लिया, किसके साथ फिक्स करूँगा, अदर एलिमेंट जो इस कंपाउंड के अंदर है, जैसे अदर एलिमेंट कौन है, ऑक्सीजन है, इसके साथ अदर एलिमेंट कौन है, ऑक्सीजन है। तो इनमें से कोई भी एक को, अगर मान लो आप ऑक्सीजन को फिक्स करते हो, तो ऑक्सीजन को फिक्स रखेंगे, इसका जो पर्टिकुलर होगा वो लिखेंगे, ऑक्सीजन का जो फिक्स कर लेंगे इसका पर्टिकुलर होगा वो लिखेंगे। इसी तरह इसमें ऑक्सीजन, इसमें कार्बन फिक्स कर रखा है, तो ऑक्सीजन का जो पर्टिकुलर एटॉमिक मास होगा वो लिखेंगे इसके अंदर, ठीक है। तो कहता है कि जब ये ऐसा अगर आप अरेंजमेंट करते हो, तो एक आपके पास वोल नंबर रेशियो आएगा। कैसे आएगा वोल नंबर रेशियो, अब कैसे आता है वो देखो, देखते हैं। देखो कार्बन को ऐसे लिखते हैं ना, 6C12, 6C12, ऑक्सीजन को लिखते हैं 8O16, 8O16। अब देखो मेरे को ये ऊपर जो नंबर होता है बेटा, इसको बोलते हैं एटॉमिक मास, और नीचे वाला नंबर होता है उसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर, इसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर। ये आपका सिंबल है, ये एटॉमिक मास है। इस जो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है, इसमें हमें जो लेना होता है वो क्या लेना होता है, ये ऊपर का नंबर, जो एटॉमिक मास आपके पास। तो देखो मैंने कार्बन को फिक्स किया है, तो दो मैंने आपके पास, एक CO2 है एक CO है, कार्बन को इसमें करेंगे तो कार्बन का कितना हो गया आपके पास 12, कितना हो गया 12:2। ऑक्सीजन कितना है, वन ही है, एक ऑक्सीजन कितना होता है 16, 12:16। इसी तरह ये तो किसका हो गया मेरे पास, CO का होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड का। इसी तरह मैं CO2 का लिखता हूँ, तो कार्बन का तो फिक्स कर रखा हुआ, तो 12 ही होगा, ठीक है। ऑक्सीजन कितना है, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, तो 16:2 32, 16:2 32। तो ये रेशियो तो सेम आपके पास, ये तो फिक्स है, तो ये कैसे लिख देंगे हम, इसको लिख देंगे 16:32। तो ये करने के बाद कितना आ जाएगा, 1:2, 1:2 2। तो 1:2 क्या है, एक सिंपल रेशियो है, क्या है आपके पास, सिंपल वोल नंबर रेशियो आपके पास। तो डेफिनेशन बिल्कुल आसान है कि जब भी हम इफ टू एलिमेंट को कंबाइन करते हैं, तो उससे क्या बनते हैं, मोर देन वन कंपाउंड, एक से ज़्यादा कंपाउंड बनते हैं। फिर उसमें से हम मास ऑफ एक एलिमेंट जो है
उसमें एक एलिमेंट का मास जो कंबाइन हो रहा है अदर एलिमेंट के साथ, उसको एक को फिक्स कर लेंगे। फिक्स करने के बाद जो रेशियो बनेगा एटॉमिक मास का, एटॉमिक मास का जो रेशियो बनेगा वो एक सिंपल वोल नंबर रेशियो बनेगा, सिंपल वोल नंबर रेशियो फॉर्म होगा आपके पास। तो एक एग्जांपल तो हमने ये सी ओ टू का डिस्कस किया है, कार्बन और ऑक्सीजन एलिमेंट होता है। तब एक एग्जांपल और करते हैं, जैसे मान लो आपके पास होता है ये एग्जाम्पल, मान लो एक एलिमेंट ऐसे है, एक ओ ओ है, तो इससे क्या बन सकता है एस ओ टू और एस ओ थ्री, एस ओ टू और एस ओ थ्री, ठीक है। अब देखो मैंने लिखा एस ओ टू और यहाँ पे क्या लिख दिया एस ओ थ्री। अगर मैं यदि मैं इसको फिक्स कर लेता हूँ, किसको फिक्स कर लिया मैंने, एस को फिक्स कर लिया, तो सल्फर को फिक्स करेंगे। ध्यान रखेंगे सल्फर ऐसे होता है 16 32, तो 32 इसका क्या है एटॉमिक मास है, ठीक है। तो देखो लिखते हैं 32 इज टू, क्योंकि एक ऑक्सीजन का 16 होता है, 16 × 2 = 32 हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे। सल्फर का अकेले का 32 है, इसी तरह यहाँ पे 32 और 16 × 3 कितना होगा 48। तो जो फिक्स है उसको तो छोड़ो, इन दोनों को कंपेरिजन कर लो, 32 इज टू 48 काटेंगे, 16 × 2 = 32, 16 × 3 = 48, तो क्या आएगा 2 इज टू 3, तो क्या आएगा आपके पास एक सिंपल रेशियो आ गया आपके पास। तो इसको बोलते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। एक एग्जांपल और डिस्कस करते हैं, आई थिंक सभी को क्लियर आउट हो गया होगा ये। अब देखो मान लो कि बार मैं लेता हूँ एन और ओ, ये मैंने दो एलिमेंट लिए हैं, ठीक है। अब एन ओ को कंबाइन करते हैं तो आपके पास देखो क्या बनते हैं, एन ओ से कंबाइन करने के बाद एन ओ भी बन सकता है, एन ओ टू भी बन सकता है, एन टू ओ भी बन सकता है, एन टू ओ फोर भी बन सकता है और एन टू ओ फाइव भी बन सकता है, ठीक है। तो देखो इससे हमारे पास टोटल कितने बन गए, 1 2 3 4 5, 5 कंपाउंड फॉर्मेशन हो गए हैं। अब इसमें मैंने बताया इन दोनों में से किसी एक को फिक्स कर लो, जैसे हमने एन को क्या कर लिया, एन के जो एटॉमिक मास उसको फिक्स कर लेंगे। अब फिक्स कर लिया तो देखो इसको कैसे राइट डाउन करते हैं। देखो जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिखा एन ओ, फिर क्या लिख दिया एन ओ टू, फिर क्या आपके पास है एन टू ओ, एन टू ओ फोर, एन टू ओ फाइव, आई थिंक सभी को यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये। देखो अब देखो जो चीज़ फिक्स करनी है बेटा, जो चीज़ फिक्स करनी है उसको, जैसे नाइट्रोजन कैसे होता है 7N14, तो इसका कितना होता है 14 होता है एटॉमिक मास, ये एटॉमिक मास है, ये सिंबल है, ये एटॉमिक नंबर होता है, और इनके अंदर हम एटॉमिक मास लेते हैं। तो एन का फिक्स करना, जिसका फिक्स करना है उस शब्द के अंदर चाहिए, उसके अंदर एन टू ओ तो भी हम क्या लिखेंगे 14 ही लिखना आपको, ओके, जिसको फिक्स करते हैं। उसके साथ कोरस्पॉन्डिंग के अंदर रेशियो के अंदर जो दूसरा एलिमेंट जो कंबाइन होने के बाद आया है अदर एलिमेंट, उसका जो पर्टिकुलर वही लिखें। जैसे एक ऑक्सीजन है तो 16, ऑक्सीजन दो है तो कितना आ गया 32, एक ऑक्सीजन है तो 16, 16 मान लो यहाँ पे कितना हो जाएगा 16 × 64 और यहाँ पे 16 × 5 = 80, हाँ ठीक है। तो ये आ गया आपके पास, जो फिक्स है वो तो क्लियर आउट होगा हमारे पास। अब ये रेशियो हमें अगर देखना है, ये रेशियो अगर हम देखें तो रेशियो क्या है, 16 का एक स्टेंजा बन गया, 16 × 16 = 2, फिर 16 × 16 = 80, ठीक है। तो ये रेशियो बन गया 1:2, 1:1, 4:5 आपके पास, ठीक है। तो ये रेशियो बन गया आपके पास, तो ये एक रेशियो फॉर्मेशन हो गया आपके पास, ये क्या एक सिंपल रेशियो है, ये क्या है कि सिंपल रेशियो है। तो इसको बोलते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ठीक है। एक कंपाउंड और भी बन सकता है, जैसे इसी में मैं लिख सकता था N2O3, तो यहाँ पे फिर क्या रेशियो आ जाता 14 × 48, ठीक है, 14 × 48, 14 is to 48, ठीक है। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे देखो मेरा बिल्कुल रेशियो सेम बन जाता, अगर मैं N2O3 को यहाँ ले लेता हूँ, देखो एक मिनट के लिए N2O3 को हम यहाँ ले लेते हैं, N2O3 को यहाँ ले लिया हमने, तो ये बन जाएगा 14 is to 48, तो 16 × 3 = 48, तो अब मेरा रेशियो बिल्कुल आपको एग्जैक्ट दिखेगा 1 2 3 4 5 आपके पास, ठीक है। तो ये जो एक सिंपल रेशियो आया दैट विल बी कंफर्म द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस।
कन्फर्म द रेशियो ऑफ लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। ओके, तो हम लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन हम सीख चुके हैं, अब हम सीखते हैं नेक्स्ट लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस। अब हमारे पास नेक्स्ट है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस, या इसके एक नाम और है लॉ ऑफ इक्विवेलेंट प्रोपोर्शंस, लॉ ऑफ इक्विवेलेंट प्रोपोर्शंस, जो किसने दिया था, रिचर 1872 के अंदर, 1872 के अंदर। ओके, अब ये जो हमने सीखा पीछे जो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन था वो दिया था डाल्टन ने 1803 के अंदर। ठीक है, अब देखो ये भी लॉ बिल्कुल आसान है। इस लॉ के अंदर क्या करते हैं हम, इस लॉ में जैसे कोई भी आपके पास, जैसे हमने ट्रायंगल को आइडेंटिफाई कर रखा है जिसमें थ्री एलिमेंट हैं, जैसे सी और एच को कंबाइन करते हैं CH4 बन गया, एच और टू को कंबाइन किया ना, एच और ओ को कंबाइन किया तो H2O बन गया, सी और ओ को कंबाइन किया तो क्या बन गया, CO2 बन गया आपके पास। ओके, तो वही लिखा हुआ है, जैसे हम क्या करते हैं, ये दो मैंने ट्रायंगल बनाई, इसी को मैं ऐसे भी बना सकता हूँ, ए बी सी आपके पास। ओके, अब देखो उसमें क्या लिखा हुआ है, वेन टू एलिमेंट ए बी कंबाइन सेपरेटली, जब इस ए और बी को कंबाइन करते हैं सेपरेटली, जैसे ए और बी को कंबाइन किया, जैसे मान लो ए बी बन सकता है, विद फिक्स वेट ऑफ थर्ड एलिमेंट सी, फिक्स वेट ऑफ एलिमेंट थर्ड सी, देन द रेशियो विच डू दे डू सो इज आइदर सेम, या तो सेम हो सकता है। कहने का मतलब सीधा सी ये है, अगर मान लो मेरे को ए सी का इक्विवेलेंट रेशियो, जो फिक्स रेशियो है एटॉमिक मास रेशियो निकालना हो, तो मैंने ए बी को कंबाइन किया, बी सी को कंबाइन किया, तो इनके कंबाइन करने से जो रेशियो आएगा मेरे पास वो बिल्कुल मैच करेगा इससे, वो किससे मैच करेगा, इस ए सी से मैच करेगा, किससे मैच करेगा, इसे ए सी से आपका मैच करेगा, या तो सिंपल रेशियो के अंदर हो सकता है या एग्जैक्ट रेशियो भी आ सकता है, सिंपल या एग्जैक्ट। अब देखो कैसे आता है उस चीज को समझते हैं, जैसे मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे CH4, क्या लिखा हुआ है, देखो अभी हमने सीखा था भी, जैसे मैंने ए बी को सेपरेट कंबाइन किया फिक्स वेट से, जो एटॉमिक मास था उसका, बी सी को कंबाइन कर दिया, और इनके रेशियो कंबाइन करने के बाद जो एक प्रोपोर्शन रेशियो वैल्यू आएगी वो इससे मैच करेगी, बिल्कुल बिल्कुल भी मैच कर सकती है, या एक सिंपल रेशियो में भी आ सकती है। ठीक है, अब देखो कैसे करते हैं, जैसे मान लो आपके पास CH4 है, CH4 कार्बन कैसे लिखते हैं, 6C12, तो इसका कार्बन का एटॉमिक मास कितना है, 12 आपके पास, कितना है 12, तो मैंने लिखा इसको रेशियो को 12:4, ठीक है, ओके। और उसी के अंदर मेरे पास दूसरा कौन है, H2, दूसरा कौन है मेरे पास H2, या मैं CO2 को ले लेता हूँ इधर, CO2 ऐसे भी कर सकते हैं, इन दोनों को करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास। ओके, ये जरूर नहीं कि भाई आपके फिक्स है कि इन्हीं को कंबाइन करके फिर ये आएगा, इन दोनों कर लो ये आ जाएगा आपके पास। इसको किया तो मैंने क्या किया, 12:32, तो ये तो फिक्स है इसके अंदर, तो ये रेशियो कितना आ गया मेरे पास, ओवरऑल कितना आ गया, 1:8, कितना आ गया, 4 को 32 से कट करेंगे तो कितना आ गया, 1:8 आ गया मेरे पास। ओके, अब देखो H2 है आपके पास, अब H2 का देखो कैसे आएगा, एक H का कितना होता है, 1 होता है, जैसे 1H1, तो हाइड्रोजन कितने हमारे पास, 2 है, तो कितना लिखना पड़ेगा आपको, 2, क्योंकि 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 ही आएगा, तो 2 लिख दिया। अब ऑक्सीजन का कितना आएगा, 16, कैसे, 8O16, एक ऑक्सीजन का कितना होता है 16, एक ही ऑक्सीजन है, अब इस रेशियो को कट करोगे तो कितना आएगा, 1:8, तो अब देखो ये भी 1:8 आया है ना, ये भी 1:8 है, और जो हमने इन दोनों कंबाइन करके जो रेशियो लेके आए थे वो भी 1:8 है, तो इसका मतलब ये किसको फॉलो कर रहा है, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस, या इसका एक नाम और भी है लॉ ऑफ इक्विवेलेंट प्रोपोर्शन, उसकी भी मैं एक दूसरी डेफिनेशन है, थोड़ी से स्मॉल होगी, वो भी हम आपको बताएंगे अभी, तो पहले ये देखें, जब हम दो एलिमेंट ए और बी को कंबाइन करते हैं सेपरेटली अलग अलग, फिक्स वेट उनका और कंबाइन सेपरेटली विद फिक्स वेट ऑफ थर्ड एलिमेंट, क्योंकि वही तो क्या हमने इनको कंबाइन करके तीसरे के साथ फिक्स उसको चेक करके देखा, क्या वो उसी सिंपल रेशियो में आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो वही है कि टू एलिमेंट ए बी कंबाइन सेपरेटली विद फिक्स वेट ऑफ थर्ड एलिमेंट सी, थर्ड एलिमेंट सी, क्योंकि थर्ड एलिमेंट सी का यही तो फिक्स वेट है आपके पास, देन रेशियो इन विच दे डू सो आइदर इन सेम, या तो रेशियो बिल्कुल सेम आ सकता है या सिंपल मल्टीपल रेशियो मिलेगा, इन विच कौन सा, जब जिन दो जो आपके पास दो कंपाउंड को कंबाइन किया था आपने, तो वही लिख रखा है, इन दीज कंबाइन दीज एलिमेंट कंबाइन विद ईच अदर, जैसे इन दोनों एलिमेंट को कंबाइन करने के बाद, क्योंकि इन दोनों का कंबाइन जो रिजल्ट कितना आया, 1:8 आया,
और सी एलिमेंट जो था उसका हमारा रेशियो कितना है, फिक्स वेट 1:8। इसका मतलब ये इसके बिल्कुल सेम आ सकता है या सिंपल रेशियो के अंदर आ सकता है, या किस में आ सकता है, सिंपल रेशियो में। तो उसको बोलते हैं लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस। तो ये था आपके पास लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस। ओके, अच्छा एक एग्जांपल और डिस्कस करते हैं इसी के अंदर हम, या पहले एक डेफिनेशन बता दें आपको, अगर ये भी याद कर सकते हो आप या ये भी कर सकते हो, एलिमेंट कंबाइन विद ईच अदर विद ईच अदर इन द रेशियो ऑफ देयर रेशियो ऑफ देयर इक्विवेलेंट प्रपोर्शन, इक्विवेलेंट प्रपोर्शन नहीं दिख रहा उधर आपको, यहाँ लिख देते हैं इक्विवेलेंट प्रोपोर्शंस, या ये भी याद कर सकते हो आप, ये अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ जो हमने ऊपर एक बताया ना, इसका नाम क्या है, लॉ ऑफ इक्विवेलेंट प्रोपोर्शन। तो होगा एलिमेंट कंबाइन विद ईच अदर इन रेशियो ऑफ देयर इक्विवेलेंट प्रोपोर्शन, क्योंकि इक्विवेलेंट प्रोपोर्शन में हम उनका इक्विवेलेंट वेट ही तो लेते हैं, क्या लेते हैं, इक्विवेलेंट वेट आपके पास। ओके, तो ये भी डेफिनेशन याद कर सकते हो, ये भी याद कर सकते हो, दोनों कोई भी याद कर सकते हो आप। ओके, तो ये हमने सीखा लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, जो रिचर ने दिया था, और उसकी डेफिनेशन, उसका एग्जांपल, एक एग्जांपल हम और डिस्कस करते हैं। तो देखें, जैसे मान लो मेरे पास एलिमेंट एस एच ओ, ओके, तो देखो अब आपके पास एच और ओ कंबाइन होगा तो क्या बन सकता है, एच टू ओ। एस और एच कंबाइन होगा क्या बन सकता है, एच टू एस। एस और ओ कंबाइन होगा, ऑक्सीजन होगा तो क्या बनेगा, एस ओ टू, एस ओ टू। ओके, तो एक ट्रायंगल के रूप में हमने कंबाइन करके बना लिया। अब इसमें से हम कोई भी दो एलिमेंट ले लेते हैं, जैसे मान लो ये मैंने ले लिया एच टू एस और एच टू ओ को मैंने ले लिया। अब आपको पता है हाइड्रोजन का 1 होता है, बट हाइड्रोजन यहाँ पे कितने, 2 है, तो मैंने लिखा 2:32, क्योंकि एक एक सल्फर का कितना होता है 32, कैसे एस यही तो होता है 16S32 आपके पास, तो मैंने एक सल्फर का 32 लिख दिया। ऑक्सीजन कितना आएगा, 2:16 आ गया आपके पास। तो इसको कट कर दोगे तो रेशियो क्या बन गया है आपके पास, जब ये तो कट गया आपके पास 16 × 32, तो ये रेशियो आ गया आपके पास 1:2 आ गया आपके पास। और हम एस ओ, तो तीसरा एलिमेंट हमारे पास था थर्ड एलिमेंट सी जो एस ओ टू है, तो उसका कितना आएगा, एक सल्फर का 32, एक ऑक्सीजन का 16 होता है, बट ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पे, ऑक्सीजन कितने हैं 2 हैं, तो 16×2=32, तो ये रेशियो कितना आ गया 1:1। तो इसका मतलब ये रेशियो 1:2 था जो हमने फाइंड आउट किया, सी एलिमेंट का कितना है 1:1 है, ठीक है। तो ओवरऑल इसको क्या लिख सकते हैं, ये दोनों चीज़ें सेम है, तो मैंने लिख दिया ओवरऑल क्या आ गया मेरे पास 1:2 आ गया आपके पास, या वो भी कोई दिक्कत नहीं है, उसने लिखा था, या तो एग्जैक्ट सेम मिल सकता आपको, या एक सिंपल रेशियो मिलेगा, तो ये सिंपल रेशियो में हमारे पास, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास एग्जांपल ऑफ लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस। अब हम सीखते हैं नेक्स्ट गे-लुशेक लॉ। अब देखिए बेटा, नेक्स्ट हमारे पास है गे-लुशेक लॉ। ये गे-लुशेक लॉ ने ही डिस्कवर किया था, एक फ्रेंच केमिस्ट था 1808 के अंदर। डेफिनेशन क्या है, बिल्कुल सिंपल है, जैसे देखो वो ही कहता है, जैसे H2 गैस है, Cl2 भी गैस है, तो इसका जो प्रोडक्ट बनेगा 2HCl वो भी किस में बनेगा, गैसेस में बनेगा, ठीक है। अब H का H2 कितना है, एक वॉल्यूम है, इसका कितना है 1 वॉल्यूम है, और इसका कितना है 2 वॉल्यूम है, तो रेशियो क्या बनेगा 1:1:2, तो ये क्या एक सिंपल रेशियो है। तो बोलता है अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर प्रेशर, अगर हम टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशन को सिमिलर रखते हैं, मतलब उसको चेंज मेटर नहीं करते, बराबर रखते हैं, वैन एवर जब भी गैस रिएक्ट टू इधर, तो जैसे H2 गैस है, Cl2 गैस है, जब एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं, तो दे डू सो इन वॉल्यूम, जो उनका वॉल्यूम आएगा, तो जो वॉल्यूम आएगा वो भी गैसेस प्रोडक्ट के अंदर ही आएगा, और एक सिंपल रेशियो के अंदर आएगा। जब भी कभी जो गैसेज हैं वो रिएक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ,
और उनका जो वॉल्यूम बन के आएगा आपके पास वो भी एक सिंपल रेशियो में आएगा, ओके, और वो भी एक गैसेस प्रोडक्ट के अंदर ही होगा, आल्सो विद इन ए गैसेस प्रोडक्ट, आल्सो विद इन ए गैसेस प्रोडक्ट। और दूसरी एक रिमेंबर याद रखेंगे, इट नोटेड दैट कि जब भी हम गेलियम सेकला की बात करते हैं तो भी पर्टिकुलर गैस लेते हैं उनको सेम यूनिट से एक्सप्रेस करेंगे, सेम सेम यूनिट से एक्सप्रेस करना आपको, ये नहीं कि भाई इसके लिए अलग यूनिट एक्सप्रेस कर दी इसके लिए अलग, सबकी क्या होनी चाहिए एक ही यूनिट से एक्सप्रेस करना चाहिए गैसेस को आपको, जो भी पर्टिकुलर मेजरमेंट आप ले रहे हो उसके अंदर पर्टिकुलर वॉल्यूम के लिए, ओके। तो ये था हमारे पास गे ल्यूसेक ला, जैसे एक एग्जांपल तो ये हो गया आपके पास, एक एग्जांपल और भी कर लेते हैं, एक एग्जांपल आपके पास और भी है, जैसे मैंने लिखा N2 प्लस H2 तो क्या बन गया NH3, एन कितने है 2 है, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ से कर दिया 3 से। अब इसका N2 कितना वॉल्यूम है 1, इसका कितना है 3, कैसे पता लगा, इस जो भी आपके पास सिंबल है नाइट्रोजन का, जो भी आपके पास मॉलिक्यूल हो इसके आगे जो टर्म लिखी हुई होती है बेटा वो होता है स्टिच्योमेट्रिक ऑप्शन, कुछ नहीं है इसका मतलब 1 है, इसलिए इसके आगे क्या है 1 आपके पास, ओके। तो इसका कितना है 1, इसका कितना 3, इसका कितना है 2, तो इसका मतलब रेशियो क्या बन गया आपका 1:3:2, 1:3:2, तो ये रेशियो बन गया आपके पास एक सिंपल रेशियो। तो ये कहता है गे ल्यूसेक ला। तो हमने पांचों के पांचों ला को डिस्कस कर चुके हैं, ला ऑफ कंजर्वेशन, ला ऑफ कॉन्स्टेंट, ला ऑफ मल्टीपल, ला ऑफ रेसिप्रोकल और गे ल्यूसेक ला। तो इनको आप रिवाइज करें। थैंक यू।